पीएम मोदी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। प्रदेश में आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे जहां हिंडौन सिटी में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी, भाजपा उम्मीदवार मनोज राजौरिया के समर्थन में यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे सीकर में सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी और यहाँ सुमेधानंदन सरस्वती के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं शाम 5 बजे बीकानेर में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी और यहां भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन मेघवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का आज प्रदेश दौरा रहेगा। दोपहर 12 बजे हिंडौन सिटी में पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी और भाजपा के उम्मीदवार मनोज राजौरिया के समर्थन में ये जनसभा का कार्यक्रम रखा गया। वहीं दोपहर 2 बजे सीकर में भाजपा के उम्मीदवार सुमेधानंदन सरस्वती के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं शाम 5 बजे पीएम मोदी बीकानेर में नजर आएंगे और यहां भाजपा के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। और इसी खबर पर हमें अपडेट करने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरुका हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। पिंटू, आज एक साथ 3 चुनावी सभाओं को प्रदेश में पीएम मोदी संबोधित करेंगे और चूंकि 12 लोकसभा सीटें अभी शेष है, 6 मई को चुनाव होना है और इसी के तहत इस राजनीतिक समीकरण को साधने पीएम मोदी आज 3 जगह सभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले कहाँ चुनावी सभा होगी? देखिए ज्योति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे चरण के मतदान में ये दूसरा दौरा आज प्रदेश में है उनका चुनावी सभाओं का। इससे पहले उन्होंने 1 मई को जयपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया था और उसके बाद में आज उनकी प्रदेश में 3 चुनावी सभाएं होने जा रही हैं। आपको जानकारी होगी कि पहले चरण के मतदान में उन्होंने चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। उसके बाद में 1 मई को जयपुर शहर में उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। उसके बाद में लगातार डिमांड बढ़ रही थी ज्योति, क्योंकि अगर ऑल ओवर इस चुनाव के परिदृश्य को देखा जाए तो सबसे बड़ी बात सामने आ रही थी कि जो जितने भी भाजपा के प्रत्याशी हैं वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो मोदी की है। तो मोदी की आज प्रदेश में 3 चुनावी सभाएं होने जा रही है और ये शायद आखिरी सभाएं होगी, क्योंकि कल से आचार संहिता लग जाएगी और आज ही शायद आखिरी दौरा प्रधानमंत्री का चुनावी सभाओं का होगा और इसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कि प्रधानमंत्री कितनी सभाएं यहाँ कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री आज एक दिन में 3 सभाएं संबोधित करेंगे। तो ये देखा जाए कि पीएम मोदी का आज राजस्थान में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि वो सबसे पहले 12 बजे हिंडौन सिटी में, जो करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, वहां पर मनोज राजौरिया के लिए वो सभा को संबोधित करेंगे। पर करौली धौलपुर सीट काफी फंसी हुई नजर आ रही है, वहां की जो सियासी समीकरण है उस लिहाजे से वो बीजेपी के लिए काफी टफ सीट है और जितनी भी टफ सीट नजर आ रही है उनको साधने के लिए पीएम मोदी का सहारा लिया जा रहा है। उसके बाद में सीकर में वो भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के लिए सभा को संबोधित करेंगे और शाम 5 बजे उनकी बीकानेर में सभा होगी। जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, उन्हीं की टीम के हैं, काफी पीएम मोदी के भरोसेमंद है वो अर्जुन मेघवाल। और अर्जुन मेघवाल की सीट इस तरह से फंसी हुई है कि भाजपा के जो बागी नेता है देवी सिंह भाटी, जिन्होंने हाल ही में अर्जुन मेघवाल की बगावत के लिए पार्टी छोड़ी और लगातार खुले में प्रचार कर रहे हैं मेघवाल के खिलाफ, ऐसे में वहां पर लगातार डिमांड बढ़ रही थी कि कहीं ना कहीं भीतरघात हो सकती है और भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में हस्तक्षेप हो सकता है, इसलिए पीएम मोदी की वहां रैली की आवश्यकता है और आज शाम को पीएम मोदी वहां पर सभा को संबोधित करेंगे। जी पिंटू, इसमें कोई संशय नहीं कि भाजपा के सभी उम्मीदवार मोदी लहर पे चुनाव लड़ रहे हैं, हर कोई मोदी के नाम पर वोट मांगता नजर आता है। पिंटू, चूंकि हरी रैलियों में और जनसभाओं में देखा है कि बड़ी संख्या में पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं, तो क्या आज भी ये उम्मीद लगाएं कि जो प्रदेश का दौरा रहेगा उसमें बड़ी संख्या में जनसभा पहुंचने की उम्मीद है? देखिए निश्चित तौर पर जब यहाँ जयपुर में जो रैली हुई थी वहां पर काफी जो 3 लोकसभा क्षेत्र थे, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर और दौसा लोकसभा क्षेत्र के जितने भी जो भाजपा कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर बुलाया गया था और एक बड़ी सभा हुई थी। लेकिन चुनाव में महज इतनी भीड़, क्योंकि कंटिन्यू अगर आज प्रदेश में 3 सभाएं होती है तो भीड़ जुटाना इतना पार्टी के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन मोदी की एक लोकप्रियता है तो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का प्रयास पार्टी करती है और मोदी को सुनने के लिए लोग आते भी है, उनकी लोकप्रियता अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पूरा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द हो रहा है। अब देखना यह है कि मोदी जिन सीटों पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनका लोकसभा चुनाव में कितना असर रहता है, कितना फायदा पार्टी को मिलता है, क्योंकि करीब 7-8 सीटों पर
आठ लोकसभा सीटों पर यूं मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पहले चरण के मतदान में चार सीटों पर प्रचार किया, उसके बाद में दूसरे चरण में जयपुर शहर में किया और आज वो तीन लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। तो 25 में से 8 पर वो सभाएं कर रहे हैं, जिनमें से बीकानेर भी फंसी हुई सीट नजर आ रही है, सीकर भी काफी टफ सीट मानी जा रही है, करौली धौलपुर की भी काफी टफ सीट मानी जा रही है, जोधपुर की सीट भी काफी होर सीट थी, अशोक गहलोत के बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में जो फाइट मानकर चल रही थी बीजेपी, जो कड़ी टक्कर वाली सीट थी, वहां पर पीएम मोदी की सभाएं करवाई जा रही है। तो क्या कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये 23 मई को पता चल पाएगा कि कितना फायदा प्रधानमंत्री की सभाओं को बीजेपी को मिलेगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का जो आज आक्रामक दौरा है, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव प्रचार का अंतिम समय है, क्योंकि कल से आचार संहिता लग जाएगी, 6 तारीख को मतदान होना है, तो शायद ये आज आखिरी सभाएं प्रधानमंत्री की होगी और आज पीएम मोदी राजस्थान में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि तीन लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जी पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हम इस खबर पर अपडेट करते रहे। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी का प्रदेश में ये दूसरा दौरा है और आज तीन लोकसभा सीटों को साधने की पूरी जुगत करेंगे पीएम मोदी।